आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद में खाद्य प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ज्ञान दूध की गाड़ी में सिंथेटिक और खराब दूध की खेप को पकड़ी है। जिला खाद्य प्रशासन के मुताबिक इन दूध के कारोबारियों के पास दूध के कारोबार का लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा इन टैंकर के दूध में बदबू भी आ रही थी, जिससे दूध की जगह सिंथेटिक मिल्क होने की आशंका थी। खाद्य विभाग ने दूध के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिया है, साथ ही सारा दूध कब्जे में ले लिया है। दिवाली के त्यौहार के मद्देनज़र खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन इलाहाबाद की टीम द्वारा छापेमार कार्रवाई की जा रही है। छापेमार कार्रवाई के दौरान रामबाग चौराहे स्थित VIC के पास दूध का गाड़ी पकड़ी गई है, जिसमें मांगा गया कि खाद्य लाइसेंस दिखाएं, तो जो जितने डिस्ट्रीब्यूटर थे वो उसके फूड लाइसेंस नहीं था, ठीक है। तो फूड लाइसेंस नहीं है, उसके लिए नोटिस जारी की जा रही है और संदेह के आधार पर जो दूध के नमूने संग्रहित कर खाद्य प्रयोगशाला लखनऊ भेजा जा रहा है।